ईंटें, मनके तथा अस्थिया के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पुराप्राण विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। 4. सिसवल दबसादा कोट्टीजी आमरीनाल अरब सागर मानचित्र 2 आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र ओबश 2.1 कृषि प्रौद्योगिकी रेखाचित्र। हालांकि अनाज के दानों से कृषि की संकेत पैमाना नहीं दिया गया है मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृन्मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते विद्यमान हुए चित्र 1.3 पकी मिट्टी से बना वृषभ थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फुलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता कि कुओं से प्राप्त पानी का चर्चा कीजिए। मानचित्र 1 तथा 2 की आपस में तुलना कीजिए तथा इनमें बस्तियों के वितरण में समानताओं तथा असमानताओं की सूची बनाइए।